इतना बड़ा जंप मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डीएसपी से सीधे आईएएस बन जाएंगे। उन्होंने सेल्फ स्टडी करी। स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए। हो सकता है आपको लगे कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे को भी ऐसा ही लगता था। जो उत्कर्ष का कंट्रीब्यूशन रहा है, मैंने उत्कर्ष से मॉक इंटरव्यू लिया थे। सभी लोगों को नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक सिंह और आज मैं खुश भी हूँ क्योंकि हमारे साथ में आज जो इंटरव्यू के साथ जुड़े हुए हैं उनका नाम है अनिरुद्ध पांडे, जिन्होंने अभी आईएएस 2022 का एग्ज़ाम दिया हुआ था और आज फाइनली रिजल्ट आ गया है जिसमें उनकी 64th रैंक है। बात तो पहले भी हम लोगों ने कई बार करी है लेकिन आज फाइनली बात करने में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने नजर आए हैं, जिसमें से कुछ फैक्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इन्होंने सेल्फ स्टडी करी। अनिरुद्ध, पहली बात तो उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशंस, फादर भी हैं आप साथ में ही हैं हमारे, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे आपने स्टडी करी तो स्टूडेंट को भी पता चले, आपके भी अपना एक्सपीरियंस भी बताए कि कैसे रहा है। थैंक यू सर, पहली बात तो मेरे को प्लेटफॉर्म देने के लिए। और जो मेरा प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी रहा है वो मैं कॉलेज के टाइम से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी मैंने, तो इस वजह से मैं कोचिंग क्लास कोई मैंने नहीं ज्वाइन की। मैंने सेल्फ स्टडी से ही बेसिक बुक्स जो थी और जो एनसीईआरटी थी उन्हीं को पढ़ा, बार बार पढ़ा, और उसके अलावा प्रैक्टिस पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहता था। तो जो चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो या इंटरव्यू भी, तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, हर अलग अलग टेस्ट सीरीज, कई टेस्ट सीरीज दी, चाहे मेंस के लिए हो चाहे प्री के लिए हो, तो ताकि उससे प्रैक्टिस होती रहे। जो आपकी नॉलेज है आप सिर्फ नॉलेज इकट्ठा मत करिए, उसको अप्लाई भी करते रहिए। तो इस वजह से बार बार मैंने टेस्ट सीरीज बेस्ड अप्रोच यूज किया इस प्रिपरेशन में। आप सभी लोगों को मैं एक बात और बता देता हूँ कि इनका 3 बार यूपीपीसीएस में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ। सवाल ये था कि हम लोग 2 महीने पहले जब मिले थे तब आप इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ सर, वही मैंने उत्कर्ष क्लासेस में मॉक इंटरव्यू दिया था सर, और उसके बाद ही मेरा डीएसपी पोस्ट पे चयन भी हुआ था पीसीएस में। तो सर वही उसके एक ही महीने बाद ये रिजल्ट भी आ गया, तो इतना बड़ा जंप मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डीएसपी से सीधे आईएएस बन जाएंगे। तो और हम ये चाहेंगे कि इंटरव्यू तो आपने दिया ही दिया है हमारे यहाँ से, टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करी, स्टूडेंट कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या करंट अफेयर का रोल कैसे रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा। तो सर वही है कि आप टेस्ट सीरीज कोई भी जो टेस्ट मतलब वो हो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज अच्छी कोई भी कोचिंग आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और उससे प्रैक्टिस आप करते रहिए। अगर वहाँ पे करंट अफेयर्स भी है, करंट अफेयर्स किसी भी ट्रस्टेड सोर्स से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है। आप करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उनको अपने आंसर में रेप्लिकेट करने की कोशिश करिए। अगर ऐसे स्ट्रेटजीज आप अपनाएंगे तो आपके आंसर अलग हो जाते हैं दूसरों से, तो आपके नंबर ज़्यादा मिलने का संभावना बढ़ जाती है। ओके, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आज क्योंकि बिजी भी हैं और फिर कभी इंट्रो हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट के लिए 2 शब्द बोलिएगा, उत्कर्ष के लिए आपको क्या बेनिफिट उत्कर्ष से मिला, उसके बारे में जो जानकारी आपके पास में है ऑलरेडी वो दे सकते हैं आप। सर स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए। हो सकता है आपको लगे कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो फिर चीज़ें आपके पक्ष में हो जाती हैं धीरे धीरे। और जो उत्कर्ष का कंट्रीब्यूशन रहा है, मैंने उत्कर्ष से मॉक इंटरव्यू लिए थे और काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला था मेरे को, और जो पैनल जो था मॉक इंटरव्यू का वो भी काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड था, रिटायर्ड आईएएस भी थे पैनल में, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक भी दिया था। उससे मेरे को फिर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स भी मिले थे, 71 मार्क्स मेरे को पीसीएस के इंटरव्यू में मिले भी थे, तो उसमें भी उत्कर्ष का काफ़ी योगदान था। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, मिलते हैं जल्दी से आपसे। थैंक यू।